विभूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला में कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि विंटर स्पोर्ट्स के नजरिए से हिमाचल में लाहौल स्पीति एक बड़ा सेंटर बन रहा है। अटल टनल शुरू होने के बाद से लाहौल स्पीति में लगातार विंटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। इससे न केवल घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि घाटी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विंटर स्पोर्ट्स में करियर बनाने का मौका भी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 186 वहाँ के लाहौल स्पीति के नौजवानों जो है कैंपर और यूटिलिटी जो है इन्होंने लोन बेस पे लिए हैं। हमने कहा है कि अधिकारियों को कहा है, वहाँ पे टीम बना दिया है कि अब भारी बर्फबारी के कारण अगर ऐसा बर्फ पड़ती है तो हम वहाँ रोहतांग पोर्टल से जो है उन गाड़ियों के माध्यम से लोगों को ले जाएंगे। अगर बाहर के लोग आते हैं उनकी गाड़ी छोटी गाड़ी हो जिनमें फोर ना हो, जो चेन न लगे ना हो, ऐसे हमने कहा है कि हम वहाँ गाड़ियों को मुहैया कराएंगे। उनका रेट भी हमने फिक्स कर दिया है और जो लोग बाहर से जाएंगे उनका होटल का बुकिंग होना निश्चित होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमने अधिकारियों को कहा है किस तरह से हम अपने होटल्स में अपने रेस्ट हाउसेज में उनको बिठा सकते हैं और ये सब मैंने एक मीटिंग कर दिया है ताकि लाहौल में अधिक टूरिस्ट जा सके। तो हेलीकॉप्टर सेवाएँ सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के मरीजों के लिए, ये सेवाएँ उनके लिए दे जाता है। जो टूरिस्ट हैं टूरिस्ट वहाँ लाहौल पांगी किन्नौर नहीं पहुँच सकते हैं, उसके लिए हमने रखा है कि रोड जो है खुला रखें ताकि रोड खुले रहेंगे तो सर्दियों में हम वहाँ पर लोगों को पहुँचा सकेंगे। और हमने पिछले साल जो आपको याद होगा स्नो फेस्टिवल वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल 75 डेज चलने वाला फेस्टिवल वहाँ उसका आगाज़ किया था जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड हुआ है। इस साल हम चाहते हैं इस स्नो फेस्टिवल को आगे बढ़ाएंगे और 25 तारीख से जो है स्पीति के अंदर जो हमारा जो है नेशनल एक इवेंट मिला हमें वुमेंस आइस हॉकी के लिए, ऐसे ही उसका शुरू करने वाले हैं। लाहौल में मैं स्कीइंग के नेशनल इवेंट कराने वाला हूँ और चादर चेकिंग वहाँ शुरुआत करने वाले हैं और उसका पैराग्लाइडिंग का काम वहाँ शुरू करने वाले हैं ताकि टनल के बाद खुलने के बाद जो लाहौल संसार से 6 महीने कटा रहता था उसका किस तरह से लाहौल के लोगों को लाभ मिले, किस तरह टूरिज्म वहाँ पहुँचाया जाए, टूरिस्ट वहाँ पहुँचे, टूरिस्ट को का वहाँ पर एक हब बने, ऐसा मैं प्रयास करना चाहता हूँ। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।